कि ये सदन जो है ये लोगों के विकास के लिए बने, इसको धार्मिक भावना में छेड़ते हुए लोगों का जो सदन के प्रति जो भावना है उसे ठेस ना पहुंचाए विपक्ष। रह गई बात रामनवमी की, राम भक्त मैं भी हूँ, मैं भी रोज़ सुबह अपने माथे पे अब टीका लगा के देखते होंगे, टीका लगा के निकलता हूँ, अपने धर्म का सम्मान करता हूँ। धर्म की बात करना हर व्यक्ति के लिए सही होता है क्योंकि अपने धर्म का हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, लेकिन उसे थोपना नहीं चाहिए किसी। सरकार किसी एक धर्म भावना से उठकर काम नहीं करती, उसको सबका देखना होता है। किसी एक धर्म के चलते दूसरे धर्म के लोगों को ठेस ना पहुँचे, किसी धर्म के चलते दूसरे लोगों को घात ना पहुँचे, देखते हुए जो इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स आई होंगी, जो आईबी की रिपोर्ट आई होगी, जो स्पेशल ब्रांच सीआईडी की रिपोर्ट आई होगी, उस पर सरकार निर्णय लेने का काम कर रही है, उसी के समक्ष अपनी बातों को सदन में रख दिया। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना मैं समझता हूँ ये गलत है। रामनवमी में हम भी पूजा करते हैं, हम भी जुलूस में शामिल होते हैं, हम भी तलवार भांगते हैं, हम भी झंडा लहराते हैं, हम भी अपने घर पर ध्वज फड़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम राम विरोधी हैं। हम राम के भक्त हैं, बस सदन में चिल्लाकर आवाज़ उठाना, कुत्ता फाड़ना, इससे राम भक्त नहीं कहलाएंगे। राम भक्त कहलाएंगे जब पूरे समाज की आप रक्षा करेंगे, राम भक्त कहलाएंगे जब न्याय के प्रति अपनी शीतता दिखाते हुए लोगों के सम्मान के लिए लड़िएगा, राम भक्त कहलाएंगे जब सभी धर्म का आप सम्मान करिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।